आप डॉक्टर जाकिर नायक से जितने मर्ज़ी खिलाफ कर लें और जो भी आपके कंसर्न्स हैं, अगर आप नफ़रत करते हैं या आप उनको अच्छा नहीं समझते, लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ, आप मेरे कहने के ऊपर सिर्फ अगर ये आप 5-6 मिनट की वीडियो अगर आप मेरे साथ ये देख लेंगे, तो आई कैन बेट ऑन दिस थिंग कि जो बंदा डॉक्टर जाकिर नायक को ले के थोड़ा सा वो उसके दिल में हैं कंसर्न्स, आप उसके बाद इस बंदे से नफ़रत नहीं कर सकेंगे। कि वो सवाल पूछता है एक लड़का, और वो सवाल पूछता है, उसको एक कन्फ्यूजन होती है इस्लाम के बारे में, और वो मुसलमान नहीं है, और वो खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लेता है। अभी ये कराची में हुआ, आपने देख ली होगी वीडियो, लेकिन अगर नहीं देखी तो मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ। मेरे साथ ये वीडियो हम मिल के ये वीडियो देखेंगे, और आप कोशिश कीजिएगा कि इस डिस्कशन को महसूस करके देखें, और ये जो इन्वायरमेंट बना हुआ है उसको महसूस करके देखें, और उनका जवाब सुनिएगा, और बाद में वो मोमेंट देखिएगा जब उस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने हैं और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफर और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहसियत मुस्लिम क्या नमाज पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एचएस कहते अपने आपको और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उन्हें देखा उनके दोस्त तो कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर वन, मुस्लिम कहने के लिए दो शर्तें हैं। नंबर वन, यो माने अल्लाह सुभाना व ताला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर दो, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये दो चीज कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो मुस्लिम खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये दो शर्तें काफी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए, पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे, एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु शैतान फस्तनिबुल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुठला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान
غلط کرتا ہے حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو پڑھنا چاہیے لیکن میں لیزی ہوں میں آلسی ہوں ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ایک بار نماز پڑھے دو بار پڑھے تو کوئی بھی حالت میں اسے کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اللہ کے رسول کی حدیث ہے سورہ مسلم اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح تو اس سے علماء استدلال لیتے ہیں ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل نماز نہیں پڑھتا ہے ایک بھی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے میری سے غلطی ہے تو اسے کافر نہیں کہیں گے کہیں گے وہ مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے اسے کہیں گے وہ اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے تو اس میں علماء کے دو گروپ ہے ایک گروپ کہتے ہیں اگر وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی کافر ہو جاتا ہے بیسڈ آن دس حدیث ایمان اور کفر کے دماغ کے درمیان صلاح ہے دوسرا گروپ یہ کہتا ہے اگر اس نے صلاح نہیں پڑھی لیکن بولتا ہے کہ پڑھنا چاہیے میں غلطی کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے کہیں گے کہ ہی از ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم آپ سمجھ رہے تو اس کے اندر اختلاف ہے لیکن منیمم کرائیٹیریا کوئی بھی انسان کو مسلم کہنے کے لیے ہے کہ وہ مانے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے جی بالکل مانتے نا جی آپ مانتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے نہیں آپ مانتے اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے نہیں ماشاء اللہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جی بالکل آخری پیغمبر ہے جی تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں مسلم تو ہے پریکٹسنگ مسلم آستے آستے ہوں گے تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ منیمم کرائیٹیریا پہ منیمم 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 کافی نہیں ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنے کر سکے اتنا کرے لیکن یہ منیمم میں آپ نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ نے نماز کبھی زندگی میں پڑھی یا نہیں پڑھی میں زندگی میں کبھی پڑھی یا نہیں پڑھی جی اور کتنے بار پڑھی اٹس ناٹ کاؤنٹیبل ماشاء اللہ اتنے بار پڑھی کیا پتا نہیں میں نے اس کا مطلب سینکڑوں بار پڑھی نا ناٹ کاؤنٹیبل برابر کی نہیں الحمد للہ لاسٹ کب پڑھی آپ نے آخری بار کب پڑھی نماز آئی تھنک کپل آف سم منتھس اگو منتھ ماشاء اللہ Not bad. تو آپ اپنے آپ کو ایسیس کیوں بولتے ہیں Because the reason is کہ جو میں نے question آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ مسلمس ہیں sometimes نماز پڑھتے ہیں sometimes نہیں اور جو میرا سوال یہ تھا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے جو کہ اب مجھے کلیئر ہو گیا تو اسی وجہ سے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہیں گا کہ آپ نے دو مہینے پہلے نماز پڑھی کبھی پڑھتے کوئی بھی عالم دنیا میں یہ نہیں کہیں گا کہ آپ کافر ہیں اگر بالکل نہیں پڑھتے اور بولتے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو بولیں گے آپ سمجھے نا اور آپ نہیں پڑھتے سالوں سال نہیں پڑھ رہے اور تو کچھ عالم کہیں گے کہ آپ لیکن آپ تو ماشاء اللہ پڑھتے اتنے بار پڑھا کوئی یاد بھی نہیں تو یہ پہلے آپ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکالیے برابر ٹھیک ہے تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں ہو سکتا ہے کہ یو آر ناٹ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ بوڑھے آپ پتا ہی نہیں آپ کو آپ میرے حساب سے میں آپ کو جانتا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں کیونکہ انسان کیسا ہے وہ صرف اللہ تعالی جانتا ہے برابر نا تو اگر کوئی لوگ نے آپ کو غلط فہمی کر کے اسلام سے دور لے کے جا رہے تو غلط ہو گئے ہو ہمیں چاہنا چاہیے کہ لوگ کو اسلام کے قریب لے کے آئے سمجھے نا تو بہت بار مسلمان کیا کرتے ہیں وہ اتنے فتوے دے دیتے ہیں ایسے بات کرتے کہ مسلمان کو غیر مسلمان بناتے
आखिरत में तो उनकी चंपी होगी, गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था थोड़ी गलतियां करा था, आपने दोस्तों ने एकदम आउट कर दिया भाई, तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना, वो भी आउट, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाता है, अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है, आप देखते हो कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में, ये कहना कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर, तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी सूरह नहल की, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादुम बिल्लति अहसन, लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से, आप समझे ना। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टूवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है, सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टूवर्ड्स राइचियसनेस, और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाल्लाह सलाह के करीब आएंगे। हाँ साहब, कुछ पूछने गए ज़ाकिर भाई, he wants to say his shahada now. माशाल्लाह, मैं तो आपको पूछ लिया हूं लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजबा है माशाल्लाह, मैं अरबी में कहूंगा आप उसे दोहराइए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है, कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है, और उसके सर्वेंट है। माशाल्लाह, तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब, नाम क्या आपका? आपने कहा इंशार यूसुफ। माशाल्लाह, यूसुफ अलैहि सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे, आज की तो ईशा सलाह खत्म हो गई, क्या इंशाल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फॉर्मूला सिखाऊंगा, आप क्या कीजिए इंशाल्लाह, आज से अगर ईशा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो, नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाह पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाह मुझे मिले, सच्चे दिल से करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएगा। जोहर नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले, असर नमाज खत्म होगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले।